ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल संरक्षण की बातें और सूखते जल स्रोतों को संभालने के लिए दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। इंदौरा बस अड्डे के पास तालाब के पानी का प्रयोग लोग कपड़े धोने और पशुओं के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये स्थानीय लोगों के लिए डंपिंग साइट बन गया है। तालाब के पानी में कूड़े का जहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जल संरक्षण करने की बातें और सूखते जल स्रोतों का रोना तो हर कोई रोता है, लेकिन जब प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की बात आती है तो हर कोई अपना पल्ला झाड़ लेता है और आंखें मूंद कर बैठ जाता है, जिसके चलते प्राकृतिक स्रोत दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। जल संरक्षण की बातें और सूखते जल स्रोतों को संवारने के लिए दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। इंदौरा बस अड्डे के पास तालाब के पानी का प्रयोग लोग कपड़े धोने और पशुओं के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये स्थानीय लोगों के लिए डंपिंग साइट बनकर रह गया है। तालाब के पानी में कूड़े का जहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस तालाब में हर रोज लोग कूड़ा फेंक रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, इस कारण ये सुगड़ता भी जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय से तालाब में गंदगी फैली हुई है। तालाब के पानी को जानवर पीते हैं और गंदगी की वजह से जानवर भी अब पानी नहीं पी रहे हैं। लोग तालाब में शीशे पत्थर इत्यादि डाल देते हैं। इस तालाब को या तो पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या फिर इसे सही ढंग से साफ करना चाहिए। लोगों का कहना है कि तालाब में कूड़ा करकट फेंकने पर भी मनाही होनी चाहिए और जो कोई फेंकता है उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के अलावा दुकानदार भी अगर कोई तालाब में गंदगी डालता है तो इसके खिलाफ पंचायत व प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और तालाब की निशानदेही कर कब्जाधारियों को यहां से तुरंत बाहर भगाए। मेरा नाम अजय गडोज और मैं इंदौरा का रहने वाला हूं। अभी हाल ही एक साल पहले मैं पेंशन हूं सेना से, तो मैं देख रहा हूं कि काफ़ी टाइम से इस तालाब में स्थानीय लोग काफ़ी गंदगी फैला रहे हैं। ये तालाब का पानी जो जानवर वगैरह पीते थे, अभी गंदगी वजह से ना तो जानवर जा रहे हैं। इस तालाब में शीशे कोई पत्थर कोई पता नहीं क्या क्या डालते हैं। या तो इस तालाब को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, या तो प्रशासन चाहिए इसका सही तरह से साफ सफाई की जाए। मैं प्रशासन जोगेश्वर भारतीय जनता पार्टी कैसी मौत का जिला महामंत्री हूँ। मुझे आज ही पता चला कि जहाँ कूड़ा करकट फेंक रहे हैं लोग, इस बारे में हम अपने विधायक महोदय जी से और प्रशासन से बात करेंगे। इस पर जो लोग ऐसा करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि ये जो तालाब है, 40 साल उम्र मेरी हो चुकी है और मैंने आज तक यहाँ का जो पानी है वो किसी तरह से भी उपयोग में लाते हुए किसी को भी नहीं देखा। और यहाँ की जो हालत है आप देख रहे हैं, कितना बुरा और कितना बीमारियों का जैसे घर होता है, गड्ढा होता है, उस तरीके से ये बन चुका है। पिछले काफ़ी सालों से हमारी ये मांग रही है कि इस ज़मीन को किसी न किसी तरीके से यूज़ में लाया जाए। जो कानून है, कानून के मुताबिक अगर कोई पुराना तालाब है तो उसको हम उसकी किस्म को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सरकार करना चाहे तो कर सकती है। हमने बोला, पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उस समय तत्कालीन जब परिवहन मंत्री थे हिमाचल के माननीय श्री जी एस पाली जी, वो यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ बस स्टैंड के लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया था, लेकिन कानूनी झंझटों के कारण यहाँ के जो हमारे प्रशासनिक ढांचा है उसकी मैं कहूँगा निठलता के कारण इस तालाब का जो सुधारीकरण था। यहाँ हम चाहते थे कि यहाँ परिवहन निगम का सरकारी बस अड्डा बन पाए। इंदौरा के लिए यहाँ सरकारी बस अड्डे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी पैसा आया था वो लैप्स हो गया, बाद में पैसा आया हुआ चला गया, वापस गवर्नमेंट को चला गया। मेरा मानना है कि ये जो भूमि है जो इंदौरा के लिए, आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी यहाँ फैली हुई है। लोग यहाँ आते हैं सुबह आके अपना कूड़ा जो है यहाँ इस तालाब में डाल के चले जाते हैं। ये जो गंदगी का घर बन चुका है, इस गंदगी के घर को किसी न किसी तरीके से सुधार करते हुए यहाँ हिमाचल सरकार कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर लगाए, इस ज़मीन को किसी तरीके से उपयोग में लाया जाए और यहाँ पर हो सके तो यहाँ हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम का बस अड्डा बने, ये भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। मैं जिंदर सिंह इंदौरे का स्थायी निवासी हूँ। ये तालाब बहुत पुराना है, जहाँ पे लोगों ने काफ़ी गंदगी फैलाई है। इस गंदगी की वजह से मेरे माँ बाप काफ़ी अरसे से बीमारी से जूझ रहे हैं। मैंने काफ़ी इलाज कराया हुआ है, इसके पास मेरी वैसे उनकी मेडिकल रिपोर्टें भी आई हुई हैं। मैं सरकार से वैसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको कोई सौंदर्यकरण बनाया जाए, क्योंकि जब कांग्रेस के राज में पाली साहब थे तो उन्होंने इस तालाब के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था कि
कि बस स्टैंड बना जाए, जहाँ पे बस स्टैंड बनाया जाए, पर ना तो आज तक कोई बस स्टैंड बना, ना इसका कोई सौंदर्यकरण किया, ऐसे वैसे का वैसा ही है। लोगों को मना करने पर भी जहाँ पे गंदगी काफ़ी फैलाते रहते हैं तो उनको रोकना भी बड़ा मुश्किल है। SDM इंदौरा गौरव महाजन ने बताया कि लोगों का भी कर्तव्य है कि कूड़ा कचरा केवल कूड़ादान में फेंके। पंचायत प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे जनता का सहयोग लेकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोग तालाब में गंदगी ना फेंके, तालाब को ठीक करने की सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बरसात में तालाब में फिर से पानी बढ़ जाएगा, सभी तालाब को स्वच्छ रखने के प्रति अपना सहयोग दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपना दायित्व भी निभाएं। हमने कई मरतबा वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया है और कई बारी लोगों को जागरूक किया है, प्रेरित किया है कि वह अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। ऐसे कई बारी विषय हमारे सामने आए हैं जहाँ पर कि गंदगी फैलाने के बारे में हमें सूचना मिली है। हमने शीघ्र अतिशीघ्र जो है उसमें कोई विलम्ब ना करके जो है स्वच्छता के लिए पग उठाए हैं। मगर ये लोगों से भी अपील है, हमारे नागरिकों से अपील है कि वह अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आगे मानसून का सीज़न आ रहा है जिससे कोई महामारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इन सबसे अपील है कि खुद को स्वस्थ रखें, बाकी आसपास के वातावरण को दूषित ना करें, ताकि हमारा समाज और हम सब लोग जो है स्वस्थ जीवन बिता सकें। देख, तालाब प्राकृतिक स्रोत है तो ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि खत्म होने का कगार पर है? नहीं, अब बरसातों में देखेंगे दोबारा भर जाएगा ये, लेकिन अब इसको ठीक रखने का तो सबका जिम्मेवारी है। सब लोग इसमें अपना योगदान देंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे आसपास। अब जब हम कोई टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हैं जो उसके थर्मोकोल होता है वो भी उसमें फेंका जाता है। अब ये तो अपनी जिम्मेवारी है कि इसको हम ठीक रखें। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वे थोड़ा अपना जो दायित्व है उसको निभाएं और अपने आसपास स्वच्छता को बना के रखें।